गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू आर गोइंग ऑन सीनियर केजी क्लास। आप कौन से क्लास में पहुंच गए हैं? सीनियर केजी क्लास में। आपने लास्ट ईयर जूनियर केजी में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था? इंग्लिश, मैथ्स, जीके। कितने सब्जेक्ट पढ़े थे आपने? 3 सब्जेक्ट पढ़े थे। इंग्लिश में आपने अल्फ़ाबेट्स किए थे, मैथ्स में आपने 1 to 20 किए थे, और जीके में आपने डोमेस्टिक वाइल्ड बर्ड्स इनके नेम्स करे थे। ओके सीनियर के, अब आप प्रमोट होकर कौन से क्लास में आ गए हैं? आप सीनियर केजी में आ गए। कौन से क्लास में आ गए हैं आप? सीनियर केजी में। तो सीनियर केजी में आपको क्या करना होगा? आपको 4 सब्जेक्ट लर्न करने होंगे। फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकेंड इज मैथ्स, थर्ड इज जीके एंड 4 इज मैथ्स। ओके सॉरी 4 इज हिंदी। आपको सीनियर केजी में न्यू सब्जेक्ट लगा है हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट लगा है? हिंदी। हिंदी को पहले हम ओरल ही करेंगे। कैसे करेंगे? ओरल ही करेंगे। हिंदी ओरल क्या करेंगे? हिंदी ओरल, छोटे हाथ से आहत। हिंदी में क्या होता है पहले देखेंगे। हिंदी में स्वर और व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन। हिंदी में क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन हिंदी में क्या आता है? एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर में क्या आएंगे? पहले हम स्वर में क्या पढ़ेंगे? अ से आह तक। क्या पढ़ेंगे? अ से आह तक। ओके ये देखिए, हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन हिंदी में क्या पढ़ेंगे? स्वर और व्यंजन। स्वर में क्या आता है? अ से आह तक आता है, और व्यंजन में क्या आता है? क से ज्ञ तक। व्यंजन में क्या आता है? क से ज्ञ तक। क से ज्ञ तक।
स्वर में आएगा। नया सब्जेक्ट कौन सा लगा है? हिंदी। हिंदी में आता है स्वर और व्यंजन। स्वर में क्या आता है? अ से अह तक। स्वर में क्या आता है? अ से अह तक। अ से अह तक। और व्यंजन में क्या आता है? क से ज्ञ तक। क से ज्ञ तक। क से ज्ञ तक। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्वर करेंगे। क्या करेंगे? स्वर। हिंदी में सबसे पहले क्या करेंगे हम? स्वर। हिंदी में सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्वर। स्वर में आता है छोटा आ। ऐसे बनाएंगे छोटा आ, छोटे आ से अनार। अनार को गुजराती में क्या बोलते हैं? दाणम। क्या कहते हैं? दाणम। इसमें लाल कलर के सीड्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? लाल कलर के सीड्स होते हैं। हम हिंदी में छोटे आ से, छोटे आ से क्या बोलते हैं? अनार। क्या बोलते हैं छोटे आ से? अनार। ओके, हम हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटे आ से अनार। और गुजराती में हम क्या बोलते हैं? छोटे आ से, छोटे आ से मतलब गुजराती में अनार को दाणम भी कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉमी ग्रेनेट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉमी ग्रेनेट। ओके, तो छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार। अनार किस रंग का होता है? आप सब लोग खाते हैं अनार, जो होता है वो रेड कलर का होता है। कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है। तो छोटे आ से अनार। अनार जो होता है वो एक फल है, फ्रूट है। क्या है? फ्रूट है। छोटे आ से अनार। ओके, और बड़े आ से इसको आँख में आँखा डंडा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा। क्या बन जाएगा? बड़ा। तो छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम। ओके, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटे आसे अनार, बड़े आसे आम, छोटे आसे अनार, बड़े आसे आम।
छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम। फिर छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली। इमली कैसी होती है? खट्टी खट्टी होती है। इमली की चटनी बनती है ना, इमली की क्या बनाते हैं हम, चटनी भी बनाते हैं ना। तो इमली कैसे होती है? खट्टी खट्टी होती है, चटनी भी बनती है उसकी। तो छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली। ओके, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली। इमली कैसे रंग की होती है? ऐसे इमली को खाओ तो कैसे लगती है? खट्टी खट्टी स्वाद आता है ना। तो छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। ईख होती है ना, जैसे अपन शुगर के गन्ने का रस पीते तो उसमें नहीं ईख आती है, तो बड़ी से ईख। ओके, बड़ी से ईख, छोटी से इमली। आपको अभी केवल ओरली लर्न करने हैं। तो छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। ओके, छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, बड़ी से ईख, बड़ी से ईख। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। छोटे ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से उल्लू। आपका स्टेशनरी में आप जाइएगा, स्टेशनरी में बोलिएगा कि मुझे हिंदी का एक चार्ट पेपर चाहिए, तो हिंदी का चार्ट पेपर मिलेगा। उसमें से आप पिक्चर्स देख देख के अच्छी तरह लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो छोटे आ से अनार, ऐसे हमको रोज लर्न बाय हार्ट करना है। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से उल्लू।
ओके क्या आया? छोटे आसे अनार, बड़े आसे आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन। ओके आज इतने लेटर पढ़ेंगे हम आ से बड़े औ तक। ओके तो क्या पढ़ा अपने? हिंदी। आपको नया सब्जेक्ट कौन सा लगा है? हिंदी। हिंदी में क्या आएगा? स्वर और व्यंजन होता है, स्वर और व्यंजन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्वर। तो स्वर में क्या आएंगे? अ से अह तक आते हैं, इसलिए हम एक एक लेटर अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। छोटा अ से अनार, बड़े अ से आम, छोटी इसे इमली, बड़ी इसे ईख, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन। छोटे अ से अनार, बड़े अ से आम, छोटी इसे इमली, बड़ी इसे ईख, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन। ठीक है, आज हम इतने। आप स्टेशनरी में जाना, वहाँ पे आपको हिंदी का चार्ट पेपर मिलेगा, वो लेके आइएगा और उसे लर्न करिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।